मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं अ से अह तक जो स्वर होते हैं। आप लोग जानते हैं स्वर कौन से होते हैं, अ से और अह तक जो अक्षर होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। तो आप लोगों ने स्वर पहले भी पढ़े होंगे और आज हम फिर से इसका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को दोबारा से इसको लर्न करना है और बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अ से अनार, आम, आ से आम, ई, ई से इमली और बड़ी ई, ई से ईख, ई, ओके, आ, अ, आ, ई और ई, ओके, नेम देखिए, ऊ से उल्लू और ऊ से ऊन, तो ऊ और ऊ, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी से देखें, डी तिरछी, ऐसे एडी, ऐसे एडी आप लोग दो तरीके से लिखते हैं, आप इस तरीके से भी लिखते हैं और आप लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, है ना। तो हम लोग कौन सा वाला ए लिखेंगे, ये वाला, ऐसे एडी, ओके। मैं लिखिए ऐसे एनर, और से ओखली, ओखली में एक ही मात्रा रहती है, ठीक है, और से और जो होती है उसमें दो मात्रा लग जाती है, और से और एक मात्रा और दूसरी मात्रा, ठीक है, और से और। कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, और से और जो लिखते हैं उसमें औसत में वन स्टिक से एक मात्रा निकालते हैं, दूसरे स्टिक से दूसरी मात्रा निकाल देते हैं, तो हमें इस तरीके से नहीं बनाना है, हम लोग वन स्टिक पर ही दोनों मात्राओं को लगाएंगे, यानी ओ से ओखली, ओके, ओ से और। तो देखिए अब क्या आएगा, आपको क्या लिखना है, अंग से अंगूर, तो अ और अंग से ये अंगूर, अह खाली जो होता है अ और दो बिंदी जो होती है पीछे आ जाएंगे तो अ खाली होता है, ठीक है। तो देखिए अ आ ई और ई, ऊ ऊ, ऋषि ए है, ओ ओ, हम अह, ठीक है। आप कैसे पढ़ते हैं, अ से नाम, आ से आम, इसे इमली, इसे ई, उसे उल्लू, उसे ऊन, ऋ से ऋषि, ए से एरी, ऐ से ऐना, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर और अह खाली। तो मैंने आपको दोनों तरीके से पढ़ के बता दिया है। ये जो वर्ब है आपको क्या करना है, इसे अपनी बुक में नोट डाउन करना है, फिर आपको वन लाइन यहाँ लीव कर देनी है और फिर से वन टाइम इसको आपको सेकंड टाइम इसको आपको फिर से लिखना है, ओके। तो ये जो है वो आपका रिवीजन वर्ब है जो आपको अच्छे से लर्न करना है और नोट डाउन करना है।